दोस्तों हमको इजाज़त मिल गई है आगे जाने की और मैया की कृपा से हम लोग आगे चल रहे हैं सफर के लिए। काफ़ी समय लंबे इंतज़ार के बाद हमें आगे जाने की इजाज़त मिली है, तो चलिए आपको दिखाते हैं नज़ारे। साथियों तो हम वहाँ पहुँचे अपनी मंजिल के बहुत ही करीब और ये देखिए प्रवेश द्वार हमारा और अब हम सब आगे मैया की चरणों में आगे बढ़ते हुए, तो एक बार सब बोल दीजिए जोर से, बोलो जय माता दी। हाँ जी, तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारी ही टोली पीछे चल रही है और क्योंकि मौसम बड़ा ख़राब है तो सुहाना कहिए, और पीछे आप देख सकते हैं हम ही लोग हैं और आगे भी इधर देख लीजिए कोई नहीं है। आज गाना वाला नहीं है, तो से बदरिया हमने आज मैया के करीब हम पहुंचने वाले हैं और आप देखिए कैसा व्यू मिलता है मैया के रास्ते में जाते हुए। आइए दिखाते हैं आपको। जय अपनी धर्मशाला पर, यहीं पर हम लोग स्नान करेंगे, फ्रेश होंगे और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। थोड़ा रेस्ट यहाँ से कर लें दोस्त लोग तैयारी करते हुए स्नान के जाने की, और
आप देखिए, ये नहाने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेश होते हैं, रेडी होते हैं, फिर आगे मैया के दरबार की तरफ लिए बढ़ते हैं। हाँ तो भाई, ये सब तैयार होते हुए यहाँ पर ये हमारे ब्लॉगर हैं, तैयार हो रहे हैं गमछा बिछाई के। और ये विकास शर्मा जी देखिए कैसे स्माइल कर रहे हैं कंजूसी से। सपने जी से हाय, नमस्कार। मंडल अवारी, मंडल अवारी इनका नाम सेकंड। और भाई हेलो, यहाँ पर एक कमी है किसी बंदे की, सनी नाम के लड़के की। गमछा ढूंढ रहे अपना। अच्छा, उसका गमछा बिछा लिया किसी ने। आजा भाई, कुर्ता धारी आजा आजा, इधर मस्त आ रहा है यार, इधर मस्त आ रहा है। कुर्ता ले रहा मैं भाई, कितना कर रहा था मैंने, गलत राय ली थी भाई को। अरे सभी ने साथ ले लिया है और अब यहाँ से हम चलते हैं मैया के दर्शन के लिए। एक बार जोर से बोलिए, जयकारा शेरावाली माँ का, बोल साचे दरबार की जय। दर्शन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हुए और फुहार गिर रही है, पानी ऊपर से चूता हुआ टेंट में से। देखिए पीछे कितनी धुंध है, साथ में जय माता की, साथ में दीपक हमारे। और लोग भी आते हुए साथ मारुण, जय माता की। और पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ते हुए हम सभी लोग, और वापस आएंगे, ले जाएंगे अपने घर में लगाएंगे। झोली को भर दीजिए, फोटो करो, घर वालों एक लगवा दो सर। देख रहे हैं आप यहाँ पे किस तरीके से छीना झपटी होती है। देखिए यहाँ पर सिद्ध बाबा और शिव जी, जय श्री शंकर, जय भोलेनाथ। ये भी सीन देखने को मिल जाएगा जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है। चलिए बोलते जाइए साथ में, जय माता दी। सही बात है, सही बात है। बोल रहे गाओगे तभी तो आएगा। यहाँ ऊपर से बहुत ही खड़े एकदम सीधे पेड़ सरों पे हैं पानी क्षेत्र, और यहाँ पर गायक तैयार हो गया है, पटा लिया हम लोगों से, जाओ सस्ते में गा के चला जाएगा। हाँ हाँ, गाओ गाओ, साथ में गाएंगे, सर मिलाएंगे। कोई आता है ये मैया मजा शेरा जी, वो पहाड़ा वाली है, गदर है भाई, ये लोग रिहर्सल कर रहे हैं, ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब हमारे साथ में है विकास शर्मा की जय। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ऊंचे पर
पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अरे जोर से बोलो जय माता दी, प्यारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, ओ शेरा वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेरा वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेरा वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं ना डर पाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, निकट जय माता दी मैया के द्वार हम बहुत निकट पहुंच चुके हैं। जय माता दी। और जय माता, चलते चलते सबकी सांस फूल गई है, सांस फूलने लगी, लेकिन उसके बाद भी मैया की कृपा ऐसी है कि किससे चले जा रहा हूँ, खुशी दुगनी होती चली जा रही है हम सभी की। अपने दोस्त के पास जाते हुए मैं आ रहा है, मतलब गुटबाजी यहाँ पे भी चलेगी भाई। मंदिर के बहुत ही नजदीक पहुंचते हुए मैया की जय। बहुत ही खूबसूरत नजारे, नजारे आप देख सकते हैं, फॉग ही फॉग, आपको कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा जितना हमको रियल में दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत नजारा, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, 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 जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हाँ विकास, तुम कुछ बोल रहे थे? हाँ जी, देखिए बाई तरफ बहुत ही खूबसूरत नजारा, मनोरम दृश्य है, आज ऐसा लग रहा बादलों के बीच में है हम लोग। हाँ सही कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो बादल जमीन से ही देखा है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वास्तव में बादल के बीच में हम लोग हैं। जितनी हम लोग को थकान हुई है उससे भी ज्यादा जोश के साथ हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। जाओ भैया हम लोग। हाँ चलिए चलिए आते हैं आपके। और मनोरम दृश्य, सुहावना मौसम और ऊर्जा से भरे हुए माता रानी के भक्त, एक बार और जय गुरु मैया की जय, जय माता दी, 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 जय माता दी। दोस्तों हम आप पहुंचे हैं मैया के द्वारे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे मंदिर, दिखा नहीं दिखा ऊपर ही ये मंदिर है, यहाँ पे आप देखिए मनोकामना के यहाँ पट्टियाँ बंधी हुई है,
पूर्णागिरि धाम की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 300 मीटर है। और आप देखिए हमारे दोस्त लोग आगे जाते हुए, क्या खूबसूरत नज़ारा है। 3000 नहीं है, 300 है भाई, 300 मीटर। और इसी के साथ घंटा तो बजाना ही चाहिए। जय, आप पहुंचे हैं मैया के द्वारे, आप देख लीजिए। क्या नाम है? शुभ नाम है जी, विकास सोनी। ये है पूर्णागिरि का द्वार, ये है माता रानी और नाभि है, ये यहाँ पर नाभि है, ये नाभि है यहीं पर। माता दी शनि, शनि कुमार कुंभ राशि, पूजा संकल्प तो कितना बाबू? 101 क्या उन्होंने तो हाथ लगा दो। कुंभ राशि नमस्ते अजय मनुष्य सप्तम सप्रवास सभी ग्रह साथ हमारे में आज जो है रक्षा को बृहस्पति रक्षाबंधन से पहले आए बनाने दोस्तों, जिस उम्मीद के साथ हम निकले थे और जो कभी को ऐसा लग रहा था नहीं आज दर्शन मिलेंगे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन मैया कृपा ऐसी हुई कि हम सभी को दर्शन मिले और बहुत आराम से दर्शन मिले। हम सभी ने दीद करे मैया के और शुक्रगुजार हैं कि मैया ने हमें दर्शन दिया और पुनः हमें यहाँ पर आमंत्रित करेंगे और हम सभी फिर से यहाँ पर आएंगे। तो एक बार विकास कुछ कहना चाहोगे? कह लो। बहुत अच्छे दर्शन हुए। कैसे पहले इतने अच्छे दर्शन हुए? नहीं सर, पहले दर्शन तो होते थे लेकिन इस बार बड़े सुकून से अच्छे से, हाँ, तो आनंद आ गया। और चेहरे खुशी आप देख के अनुमान लगा ही सकते हैं हमारे कि हम लोग कितने खुश हैं दर्शन के बाद में, क्योंकि उम्मीद नहीं थी ना इसीलिए जिस हिसाब से रास्ते में बार बार रोका गया। सही बात है, मैया ने बुलाया था। सही कहते हैं, जिसे माँ बुलाती है उसके घर पे मतलब वहाँ पहुँची पहुँचाई। तो फिर से बोलो, खुशी है, खुशी का पंपा है, खुशी का पंपा है। का बुलावा जिसे आता है वो बिल्कुल आ ही जाता है, आ ही जाता है। तो इसी के साथ एक बार जोर से बोलिए जयकारा शेरावाली मैया का दरबार की जय। लक्ष्मी माता का मंदिर है, 4-5 सीढ़ी नीचे उतर के हम लोग आए और माता के दरबार में हम लोग भजन सुरों के हाजिरी लगाएंगे, कोशिश करेंगे एक भजन गाने की। बोले दुर्गे मैया की जय। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ओ ऊंचे पर्वत पे के मारो का
देख रही है माता अपने आंख के तारों का रास्ता देख रही है माता अपने आंख के तारों का रास्ता देख रही है माता अपने आंख के तारों का अपने पाँव के चालों को जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है जय माता दी चलो बुलावा आया है माता ने बुलावा आया है माता ने बुलाया।